नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी अरोड़ा। चलिए शुरुआत करते हैं वैश्य समाज की कुछ खबरों के साथ। मुंबई भाजपा सचिव अशोक सिन्हा द्वारा बोरीवली नेशनल पार्क में होने वाली छठ पूजा की तैयारियों का निरीक्षण और छठ व्रत रखने वाले व्रतधारियों को गन्ना वितरण किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने बताया कि छठ पूजा की इजाजत के लिए फॉरेस्ट मिनिस्टर सुधीर, स्थानीय विधायक अतुल नागर, सेवक शिव कुमार झा, सुधीर मिश्रा, रमन मिश्र, मरियापन का विशेष सहयोग रहा। बहादुरगढ़ से हमारे रिपोर्टर सुनील ने बताया कि बहादुरगढ़ ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन की मीटिंग शहर के बिजली विभाग में हुई, जहां इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ के आह्वान पर सभी सब डिवीजन के कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए उपमंडल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान विधानसभा का शीतकालीन सत्र 23 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा के सत्र में सरकार एक ऐसा संशोधन विधेयक लाने जा रही है जो सांसद, विधायक, जज और अफसरों को कानूनी कार्रवाई से कानूनी सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील एके जैन ने इस बिल को काला कानून करार दिया है। कवर्धा छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी का मामला सामने आया है। क्षेत्र के 34 लोगों से नौकरी के नाम पर 5 से 10 लाख रुपए तक के ले लिए गए। शिकायत के बाद पुलिस ने ठगों को कटोग्रा से गिरफ्तार करके कवर्धा क्राइम ब्रांच की टीम को सौंप दिया है। दिवाली की ड्यूटी से वापस लौट रहे CRPF जवानों से भरी बस को अभिकापुर रामानुजगंज मार्ग पर राजपुर तहसील के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। बता दें कि इस हादसे में 17 जवान घायल हो गए, इनमें 7 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जिस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया सचिव सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अपनी कार्य समिति में अपने चुनाव वायदों की समीक्षा करें तो दावा है कि वह आने वाले चुनाव में जनता के सामने वोट मांगने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। कोरबा CSEB के ठेकेदारों ने बालको के चेक पोस्ट इलाके की जमीन को खोदकर उसमें धड़ल्ले से राखड़ का भराव कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विभागीय अनुमति के बगैर अब तक सैकड़ों एकड़ रकबे वाले घास के मैदान को मशीन की मदद से खोदकर उसमें जहरीला राखड़ डंप डाला गया है। अजीत कुमार भारद्वाज, एडवोकेट पटना हाई कोर्ट, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और कानूनी सलाहकार सह प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार परिषद प्रदेश कार्यकारिणी बिहार, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन सदस्य, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के तरफ से आस्था का महापर्व छठी माई की पूजा का आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश की इकोनॉमी का रोड मैप पेश करते हुए जब उन्होंने GST को लेकर अपनी बात रखी, तब यह भी साफ कर दिया कि केंद्र सरकार हमेशा से ही पेट्रोलियम पदार्थों को GST के अंतर्गत लाने के लिए तैयार रही है, लेकिन इस पर आखिरी निर्णय तभी लिया जा सकता है जब राज्य इसके तैयार हो। देश के शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुख है। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 34.46 अंकों की गिरावट के साथ 33,008.04 पर और निफ्टी भी 14.20 अंकों की गिरावट के साथ 10,281.15 पर कारोबार आ गया। मेरे साथ फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार। Thank you.